हेलो दोस्तों, आज की सुबह हम देखेंगे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करने के बाद 5-10 व्यूज आ रहे हैं, व्यूज नहीं बढ़ रहा है, वायरल नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, क्या कारण है, क्यों? तो दोस्तों हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे कैसे हम अपने वीडियो को वायरल करें, व्यूज कैसे बढ़ाए, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं, जैसे पहले हम यूट्यूब चैनल बनाने के बाद हम डायरेक्ट सीधा वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लोग यही गलती करते हैं, लेकिन ये नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको YouTube चैनल बनाने के बाद आपको सेटिंग करना होता है। YouTube का बहुत सारा सेटिंग होता है, ठीक है, आपको उसमें आपको लोगो लगाना होता है, बैनर लगाना होता है, ठीक है, आपको उसमें लिख देना है, कीवर्ड होता है, तभी तो आपका जो चैनल है वो आपको सर्च इंजन में आएगा। आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट में आएगा या तो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। ये और बहुत लोग गलती करते हैं, ये सभी चीज सेटिंग कैसे करना है इसका पहले मैं वीडियो बनाया हूँ, वापस आप जाकर देख सकते हैं कैसे सेटिंग करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखने के वायरल कैसे होगा वीडियो, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, जैसे कि हम क्या करते हैं, शूटिंग करेंगे, ठीक है। शूटिंग करने के बाद जो क्या होता है, जो सीरियल नंबर होता है, शूटिंग करते हैं तो उसका देखना सीरियल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो सीरियल नंबर होता है वो हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वो सीरियल नंबर अपलोड होता है, ठीक है। तो क्या कारण है, यही गलती करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये सुधारना है कि फाइल नेम देना है। वीडियो का फाइल नेम होता है, उसको हमको फाइल नेम ही देना होता है, ठीक है। जिसके फाइल नेम हम यूट्यूब चैनल कैसे बनाए या CSS सेंटर कैसे खोले, आधार सेंटर कैसे खोले, ये सभी हम फाइल नेम दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके जो टॉपिक में है वीडियो, ठीक है, उसके बारे में आपको वहाँ पर फाइल नेम दे देना है। फाइल नेम देने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पर आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग ऑप्शन मिलता है, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या करना है, टाइटल में जैसे हम हमारा टॉपिक है यूट्यूब चैनल कैसे बनाए या तो CSS सेंटर कैसे खोले, ठीक है, यही टॉपिक है। इसके बाद आपको वहाँ पर क्या करना है, टाइटल में लिख देना है यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में आपको हैशटैग लगा लेना है। हैशटैग ऐसे लगाना है दोस्तों, जैसे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, जो फाइल नेम है उसी को आपको आपको हैशटैग में लगा देना है, ठीक है। इसमें आपको मोबाइल से चैनल कैसे बनाए, ठीक, मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाए और हाउ टू यूट्यूब चैनल क्रिएट, ऐसे करके आप अकाउंट कैसे, ये सब चीज़ आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, हैशटैग में। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, जो टॉपिक में है वीडियो, ठीक, उसके बारे में बहुत सारे आपको लिख लेना है और अच्छे से लिख देना है, जिससे आपको क्या है, एक दूसरे देखते हैं तो अच्छा लगता है, तो आपको ये भी बढ़ता जाता है यूज, इसके कारण भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपका अब तीसरा ये ऑप्शन होता है टैग, टैग लगाने के एक दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों, जैसे कि आपको अगर नहीं आता है लगाने के लिए तो पहले इसका टॉपिक क्या होता है, जैसे आप यूट्यूब चैनल में जाना अपने कोई भी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पर लिखेंगे यूट्यूब चैनल कैसे बना, यूट्यूब चैनल कैसे बना इसके बारे में लिखेंगे और वहाँ पर देखना बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, उसको क्या करना है, वहाँ पर कॉपी करके आपको वहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करेंगे वहाँ पर पेस्ट करें उसी के बारे में डिटेल लिखना है, ठीक है, और दूसरे वीडियो के बारे में नहीं, जैसे यूट्यूब चैनल कैसे बना, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करें, बहुत सारा ऑप्शन आता है, ठीक है, ये सभी आपको लगा देना है टैग पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप क्या करना है, जब नेक्स्ट करते हैं तो ऐड स्क्रीन का ऑप्शन आता है, वो एक कार्ड का, ये आपको लगा लेना है दोस्तों, बहुत जरूरी चीज है, ये ऑप्शन भूलना नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट करके पब्लिक कर लेना है। पब्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, वहाँ पर जिससे कि आप फेक आईडी बना लेना है, ईमेल आईडी होता है और आप ईमेल आईडी फेक बहुत सारा बन जाता है, बना सकते हैं, ठीक है, उसमें कम से कम 20 आईडी बना लेना है आपको, ठीक है। 20 आईडी बनाने के बाद दोस्तों इसमें आपको यूट्यूब अकाउंट क्रिएट कर लेना है, फेक आईडी आप यूट्यूब क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्रिएट करने के बाद उसमें जो वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है, हम यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, ये वीडियो अगर हम अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, इसके बाद आपको जो हम उस फेक आईडी पर, हम फेक यूट्यूब चैनल पर आपको क्या करना है, उसमें सर्च करना है। सर्च करने के बाद अगर आपके फर्स्ट नहीं आते हैं तो क्या करना है, एक दो स्क्रॉल करके देखना है, अगर नहीं आते तो आपको फिर से हम क्या करेंगे, जो फिल्टर का ऑप्शन आता है, ठीक है, कुछ ऑप्शन आता है वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, या बस अगर आज की डेट में एक घंटा हुआ है तो आपको एक घंटा पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आपका एक दिन हुआ तो एक दिन पर आप क्लिक कर सकते हैं, एक हफ्ता हुआ तो एक, उसमें आपको अप्लाई पर क्लिक करना है उसके बाद, ठीक है, उसमें आपका जो भी वीडियो अपलोड किए होंगे वो आपका आ जाएगा, ठीक है, उसमें जितने जल्दी, उसके बाद आपको क्या करना है, उस वीडियो को फुल वॉच कर देना है। फुल वॉच करेंगे दोस्तों, यही चीज़ है, फुल वॉच करेंगे तो हम जितना, जैसे 20 आईडी फेक आईडी बनाए, ठीक है, फेक आईडी पर 20 आईडी जैसे बनाए तो उसको नेक्स्ट करते 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 उसको क्या करना है, फुल वॉच करते हैं सभी को, सभी आईडी में, ठीक है। फुल वॉच करने के बाद उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको लाइक नहीं करना है ना उसमें किसी चीज़ का आपको कमेंट करना है, सिर्फ फुल वॉच करके छोड़ देना है उसको। इसके बाद आपको वहाँ पर सबको जाना है और किसी भी YouTube चैनल पर उसका जो कॉपी, आपको वीडियो का जो लिंक होता है उसको कॉपी कर लेना है,
कॉपी करके आपको किसी भी व्हाट्सएप या दोस्त या फेसबुक में शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्त यार से पूछना है और यहाँ पर फुल वॉच कर देना है और लाइक कर देना भाई, वहाँ पर उसको बोलना है ठीक, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, फुल वॉच करने के लिए उसको बोलना, ये होता है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है ठीक है। आप दोस्त यार को भेज दिए, उसके बाद दो चार दोस्त यार को बोल दिए, वो देखना स्टार्ट कर दिए ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखना कि ये क्या होता है, आज से या दूसरा दिन से आपका जो यूज है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और है, इसमें आज हम वीडियो अपलोड कर दिए तो आप डेली वीडियो अपलोड करें जिससे आपका यूज बढ़ना स्टार्ट हो जाए ठीक है। आज हम 50 एक वीडियो पर 50 यूज बढ़ना स्टार्ट हो गए, कल दूसरा हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें 100-150 व्यूज बढ़ना स्टार्ट हो जाए, हम चौथा या पाँचवा स्टार्ट कर दें जो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें 250-400 1000 व्यूज आना स्टार्ट हो जाए। ये दोस्तों ये धीरे 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 बढ़ता है, आप बोलोगे एक बार में सीधा बढ़ जाए, ये नहीं होता दोस्तों, धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट होता है। ये करना ये अच्छा टॉपिक है दोस्तों, मैं भी ये शुरुआत में मेरा 1 साल हो गया था और इसमें मैं टॉपिक में बहुत जो फाइल जो जैसे पता था वैसे लिखकर मैं यहाँ पर अपलोड करते थे ठीक है। इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरा तो 2-4 यूज ही आता था दोस्तों, आपको 5-10 आता होगा ठीक है। इसके बाद यही कारण है। इसके बाद हम दोस्तों मेरा आज 1 साल होने के बाद मैं फिर से एक नया अकाउंट बनाया हूँ, वहाँ पर देखा हूँ और वहाँ पर नए नियम से, उसके बाद मैं सोचा कि फाइल नेम दूंगा तो कैसे रहेगा इसे करके, तो उसके बाद फाइल नेम देने के बाद दोस्तों आज मेरा लगभग मैं ये नहीं बोलूंगा लाख जा रहा है मेरा, लेकिन 2000-4000 व्यूज एक दिन का आ रहा है दोस्तों। उसके बाद स्टार्ट अभी धीरे धीरे हो हुआ है और इसमें लगभग मेरा 1 महीने के 1 लाख से ज़्यादा व्यूज आ रहा है दोस्तों ठीक है। ये है दोस्तों स्टार्टिंग में, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना दोस्तों और सब्सक्राइब करना दोस्तों, हम देखेंगे।